गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम में आपको अरेंजमेंट शो हो रहा है जिसके थ्रू हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। तो यहाँ पर लिया गया था एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर रखे गए थे दो मेटल प्लेट्स, प्लेट सी और प्लेट ए। जो प्लेट सी है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और जो लाइट फॉल करवाई जाएगी वो लाइट आएगी हमारे पास सोर्स एस में से। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोर्स एस ऑफ सफिशिएंट शॉर्ट वेवलेंथ पासेस थ्रू द विंडो डब्ल्यू। ये जो विंडो आपको नजर आ रही है, विंडो डब्ल्यू, यहां से पास होते हुए लाइट फॉल करेगी प्लेट सी के ऊपर। जो ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो आपको शो हो रही है डायग्राम में, इट इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब विच परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट। ये ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो क्या काम करेगी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास होने का काम करेगी। ये परमिट करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कि वो पास हो जाएं और फॉल करें फोटो सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर। जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, जो हमने ली है सोर्स एस में से, जब वो फॉल करेंगी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, जो कि हमारी प्लेट सी है, तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे सी प्लेट में से, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे ए प्लेट की तरफ। हम यहाँ पर ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रख रहे हैं और जो सी प्लेट है उसको हमने रखा है नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं सी प्लेट में से, वो ए प्लेट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। हम जो ए प्लेट है उसे कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है। तो एज अ रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया है। जो कलेक्टर और एमिटर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ है लाइट रेडिएशंस के फॉल होने के बाद, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है, उसे हम मेजर करेंगे माइक्रो एमीटर की हेल्प से। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम कलेक्टर प्लेट ए और एमीटर प्लेट सी का जो पोटेंशियल है, जो उन दोनों का आपस का पोटेंशियल है, उसे हम वेरी कर दें। आगे हम स्टडी करेंगे कुछ ग्राफ्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहले ग्राफ में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर उसका क्या असर होता है। तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमें क्या चीज देखने को मिली कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, के जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। मींस जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वेरी कर रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इसका क्या मतलब है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर फर्दर कोई इंक्रीज नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। और उस टाइम वो स्टेज क्या आ चुकी है कि वहां पर आकर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपनी पीक वैल्यू पर आ चुका है, उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो जो हमारा वो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। और वो हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स सी प्लेट से एमिट हुए थे वो सारे के सारे प्लेट ए तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हमने प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल दिया है तो क्या होगा। जब हम प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब हमने प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो उस केस में क्या हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स सी प्लेट ने एमिट किए थे,
अब वो प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि प्लेट ए के ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो दे विल बी रिपेल्ड। लेकिन कुछ एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज कर देंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो और ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट वो धीरे धीरे जीरो आ जाएगा। इट बिकम्स जीरो एट अ सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, और उस नेगेटिव पोटेंशियल को जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया है हम उसे वी नॉट के साथ डिनोट करते हैं, और ये वो स्टेज है जहां पर फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जिस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएगा। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और द कट ऑफ पोटेंशियल। जिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, और उसे डिनोट करते हैं वी नॉट के साथ। तो बेटे हमें पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसे हम डिनोट कर रहे हैं के मैक्सिमम के साथ, और काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसे हम डिनोट कर देते हैं वी मैक्सिमम के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी बन गई, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वेयर। और साथ ही हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो होता है स्मॉल ई, और कट ऑफ पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर कितनी है वी नॉट। तो एज अ रिजल्ट जो ई इंटू वी नॉट है वो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन होगी, और ये दोनों वैल्यूज विल बी इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट सी में से एमिट होंगे उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर हम किसी एक फ्रीक्वेंसी और किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्टली जो रेडिएशन का सोर्स है मतलब रेडिएशन कहाँ से आ रही है एक उसके ऊपर, दूसरा जो प्लेट सी का मटेरियल है उसके ऊपर, और वो इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन से, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो बेटे आपको ग्राफ नजर आ रहा है अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने इंटेंसिटीज को चेंज किया है, I1, I2, I3 ये तीन मैंने इंटेंसिटीज ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम रखी है मैंने, सिर्फ उनकी इंटेंसिटीज को वेरी कर दिया है, और I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है और I1 की सबसे कम है। तो यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के बीच में, तो ग्राफ की जो शेप है उसमें आप ध्यान से देखिए कि तीनों ग्राफ्स जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और वो पॉइंट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपको नजर आ रहा है ना कि इंटेंसिटीज चाहे अलग अलग हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से तीनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द सेम। नेक्स्ट ग्राफ में हम स्टडी करेंगे बेटे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है उसमें आप ध्यान से देखिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए। मैंने तीन फ्रीक्वेंसीज लिए हैं न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ही मुझे तीन स्टॉपिंग पोटेंशियल्स मिल रहे हैं V01, V02 और V03। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई है जितनी के हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान से देखिए कि चाहे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अलग अलग है जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है,
तो दैट मींस वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। नेक्स्ट ग्राफ हमने प्लॉट किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। यहाँ पर हमने दो मेटल्स लिए हैं, मेटल ए और मेटल बी। जब इनका ग्राफ प्लॉट किया गया तो क्या चीज ऑब्जर्व की गई कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जा रही है वैसे वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और दोनों केसेस में, मेटल ए और मेटल बी के केसेस में, मिनिमम वैल्यू है जहां पर आकर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, और उसे डिनोट किया गया है न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश के साथ। तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है मेटल ए और मेटल बी की। जितना भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उसका वर्क फंक्शन जो है वो हायर होगा। अगर हम ये स्ट्रेट लाइंस जो है हमारे पास जो लीनियर वेरिएशन शो कर रही है उन्हें हम नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर बैक प्रोड्यूस करें तो ये मीट करती हैं वाई एक्सिस को, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एक्सिस है। वहां पर देखिए डब्ल्यू नॉट बाई ई, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए, और मेटल बी जो है वो मीट कर रहा है W नॉट डैश अपॉन E के ऊपर। तो जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उतना ही ज्यादा उस मटेरियल का वर्क फंक्शन है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखते हैं सबसे पहला लॉ क्या कहता है। फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एक सेकेंड में उस मेटल सरफेस में से, वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर। दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। सेकेंड लॉ, फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट्स अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच no emission of photoelectrons takes place and this frequency is called threshold frequency। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कर रही है किसी मेटल सरफेस के ऊपर उनके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है उनकी तो वो मेटल सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएंगी, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर किसी इंसिडेंट रेडिएशन के पास है तो जो बाकी की एनर्जी वो रेडिएशन सप्लाई कर रही है वो किस में यूज होगी, इट विल बी इम्पार्टेड टू द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अब देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, बट वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर। बेटे इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हैं वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो जो फोर्थ लॉ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनका फॉल होना, मतलब उनका इंसिडेंट होना, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इन दोनों प्रोसेसेस में जो टाइम गैप है वो बहुत बहुत कम है, इवन लेसर देन 10^-9 seconds है, जो कि बहुत कम है। तो ये थे फोर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।